ले दे ले देखने की बाय। और भाई क्या हाल चाल सबके, आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो गाइज आज हम फिर से जाने वाले हैं अपने गांव की नदियों में और वहां करने वाले कुछ मजेदार। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। कर लिया ना, तो फिर किस बात की देरी, चलिए फिर चलते हैं। तो अभी वो अगजाना मतलब वो चमर गदन वक्त ही हमारे भेजी लोग क्याड़ा गणना। तो चलिए चलते हैं फिर। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी गांव की नदियों में और अब जा रहे हैं हम नीचे की ओर, क्योंकि सब लोग तल्ली थी और हमुल भी अब तल्ली जान और वक क्याड़ा गढ़नी। तो पहुंच चुके हैं हम दादी के सामने और दादी ने इतनी सारी क्याड़े निकाल लिए एक ही दाम में, तीन बैग टका पड़ी माँ। अच्छा तो दादी कब आ रहे हो तुम? हम का ये सब 7:30 बजे। 7:30 बजे? हाँ। अच्छा दही तुम लेकर कमे ना पेट डल लिए क्याड़ा क्या ठीक है हम ले एक महीना 4 दिन हम गला सो एक महीना 4 दिन मतलब 6 दिन भी आएगी वाला मेरा। अच्छा हाँ। तो आप देख लो ये रहे क्याड़े, जो पहाड़ी लोग होंगे उन्हें तो पता होगा ना क्याड़ों के बारे में। अब पर जो पहाड़ी निवालो हूँ थे निवाल पता ऊँ तो यो भी निवाल पता यू क्या चे यो ये देखो ये दादी बताइए तुम क्या आयो तो इनका उपयोग सबसे पहले आग जलाने में किया जाता है, क्योंकि यू में सबसे पहले पकड़ी दाग चटे है मतलब सबसे पहले जब आप लकड़ियों पे एक तो मोटी मोटी लकड़ियां होती है एक ये होती है बारीक बारीक, जब ये सूख जाएंगे ना तो आप इनमें आग लगाओगे तो सबसे पहले पकड़ेगी। तो अच्छा तुम अकेला आ अच्छा और चिपलो भी बहुत हो रखा है यहाँ। मैं तुम्हें दादी की डंडी दिखाता हूँ, दादी ने जहाँ पे रख रखे थे क्याड़े तो ये रहे। पहले ऐसे करके इन्हें एक डैम सा बनाया जाता है उसके बाद उस रखा जाता है मतलब ऐसे क्याड़ो को जी। अब हम चलते हैं जरा नीचे की ओर, क्योंकि नीचे भी हमारे 3 सूरवीर काम पे लगे हुए तो उनकी बड़ी डंडी है वहाँ पे, 3 लोगों ने लग रखे वहाँ पे। 3 तो क्या है यहाँ तो काफी ज्यादा लोग हैं, ऊपर नीचे हमारी दादी भी है। हेलो 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 ये देखिए सारे हमारे गांव की महिलाएं यहाँ पे एक साथ क्याड़ी। तो ये हमारी डंडी है और यहाँ पे हमारे क्याड़ी निकाले जा रहे हैं। हाँ चट चट तो इन्हें पहले मारते भी है चटेक चटेक से एन, 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 एन। तो गाइस देख रहे हो आप ऐसे भी निकाले जाते हैं, जिसको जल्दी जल्दी निकालने हो तो पहले उन्हें झपोड़ दो ढंग से, उसके बाद ऐसे देखो एक किनारे रख दो। या देख रहे हो या दादी कब काफी तेज काम कर रही है और चाची शोली निकाल रही है। तो देख रहे हो इन्होंने बहुत ज्यादा निकाल लिए, ये देखिए। यह कब आ रहे हो तुम, कब आ रहे हो तुम? ये 9 बजे पहुंच चुके हैं, मैं आधा घंटा लेट आ रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ मेरे आने से पहले यहाँ तो काफी ज्यादा वो कर दी क्या सुतान क्याड़ो के। अब जरा हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे 2 बुजुर्ग आदमी भी आ रखे हैं। ये दादी जी की डंडी है, ये हमारी दादी जी। दादी जी को तो आप पहचानते होंगे, दादी जी की वीडियो देखी होगी आपने पानी वाली, और उस दादी की भी। दादी कब आ रहे हो तुम? सोलू? अच्छा दादी जरा पहले हम तो बताओ सोलू क्या काम है? जुड़ो काम है गोर बछरो काम। अच्छा जब हम बंद छो जूड़ उड़ो है ना? हाँ, जूड़ पटना काम। अच्छा अरे ये क्याड़ा, ये क्याड़ा क्या काम नहीं? ये क्याड़ा आदमी हुए था वही आग सिरकाना काम। आग सिरकाना। तो ये हमारी सेकंड दादी जी। दादी हाँ। खूब छो फर्स्ट दादी बोली सेकंड ना फर्स्ट दादी ना आज सेकंड दादी तुम आगे तली हाँ। खूब छो हाँ भाई तुम कब आ रहे हो? मैं तो भी आ रहा था कहीं छो
रात ही बैठे दी एक की चाहिए तू निकाल ली तुम इधर की निकाल सकी है। अच्छा ये तुम्हारा ढंडी चाहिए तुम्हारा दादी है। रुको अभी डालू ना पुराना चाहिए पुराना। अब मेरी दादी देखो बाहुबली दादी या धड़ाक धड़ाक। गाइस निकल चुकी हैं ये बहुत सारे क्याड़े हैं यहाँ पे पढ़ रखे हैं। ये हमारी मम्मी जी है चाची जी और वो दादी जी और दो दादी नीचे है। दादी को तो आप देख लिया होगा और एक दादी वो ऊपर है ऊपर भी देख लिया होगा। पर इनमें यार एक गंद आती है बहुत खतरनाक वाली अजीब सी गुहाड़ सी आती है इनमें है ना। बस इन्हीं की प्रॉब्लम होती है कि ये इतनी खतरनाक गुहाड़ होती है कि क्या बताएं यार। आपको ही पता होगा जो जिन्होंने निकाला होगा कितनी खतरनाक बदबू आती है इनसे। मुझे तो अभी जुकाम लग रखा है तो मुझे ढंग से सूंघा नहीं जा रहा है तो इसलिए मैं ज़रा ठीक हूँ नहीं तो मैं भाग जाता हूँ। जरा मैं भी निकालता हूँ देखो चाची निकाल लिए मैं भी निकालता हूँ चलो। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा हिमाला। खर मकुट तेरो यूं झलको खर मकुट तेरो यूं झलको झलकी काले गंगे की धारा हिमाला झलकी काले गंगे की धारा हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी ऐसा हो जाता है। तो ये किस पेड़ से बनता है तो ये भीमल का एक पेड़ होता है तो उसकी जो टहनियाँ होती है इस प्रकार से तो पहले इसे काटते हैं फिर उसके बाद इन्हें इस प्रकार से निकालते हैं उसके बाद इनकी एक गट्ठी बनाई जाती है इतनी बड़ी बड़ी तो उसके बाद इन्हें इकट्ठा करके नदी में ले जाया जाता है और नदी में इनके लिए एक जगह बनाई जाती है इन्हें रखने के लिए और इन्हें रख के तो एक या दो महीने बाद फिर से इन्हें निकालने के लिए आते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल प्रॉपर हो जाते हैं तैयार निकालने लायक तो उसके बाद निकाल के ये ऐसे हो जाते हैं देख रहे हो आप ऐसे ऐसे जो इनके जो ये वाला कपड़ा होता है ये छिग्गल होता है जो ये तो इन्हें निकालते हैं ठीक है। जैसे कि आपके पास कभी रस्सी रुस्सी ऐसे इत्यादि नहीं होती तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं ये काफ़ी मजबूत होती है। तो ये उनके लिए डिटेल है जिन्हें पता नहीं था ठीक है। दादी तो देखो भाई दादी तो लत पत बनी फार दादी तुम तो चकाचक बना दो पार के लो के पता कि तुम दे कोई पसंद केड़ जाल दुबरा है का लगाना लगे है छ कोई होई दुबरा हीरो वाला दादी कर दे आना दे छ कोई कोई पेंशन खा ले आ मेरा है बोड़े कोई बोड़ छ ना ना के पता के वाला जो तुम दे चार चार पेंशन दे आला तब ना ना मैं जुड़े दो पेंशन ओ मैं सो कर है। अभी मच्छी पकड़ेंगे मुनी भाई एक बड़े डाली एक बड़े। अबे क्या कूड़ चुआ घर क्या कूड़ चुआ तो यहाँ केकड़ा है वो देखो तो इन्होंने एक ही पकड़ी अभी क्या चुट्टी ओ ओ ओ एक और पकड़ दिए भाई ने और एक केकड़ा आ चुका है मारना यार इन्हें ले सीधे पकड़ ले फिर भीतर भाग गया यार हट जो छोड़ दो ना ये देखो दादी हमारी अब कैसे उठ पाएगी उठ पाओगे अरे वाह टकाटक दादी तो चकाचक है हमारी आराम से गिरवा दिया इन्होंने अब इन्हें बांधा जा रहा है उसके बाद तैयार हो चुके हैं ले जाने के लिए उसके बाद इन्हें टुप से घर में रख देंगे है? तो अब चलते हैं हम घर की ओर और मिलते हैं हम तब आपको घर पे ठीक है। और एक कटोरी के फूल है कटोरी के कांडे कांडे नहीं है फूल है देखो। अब मिलते हैं आपको सीधा घर पे।
नदी से निकलने के बाद, जस्ट निकलने के बाद जैसे ही हम घर में पहुंचे और बारिश स्टार्ट हो गई, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा पीछे, जैसे ही हम पहुंचे तैसे बारिश इतनी तेज हो गई कि क्या बताएं। ओ भाई साहब, अच्छा हुआ हम आ गए जल्दी से, नहीं तो हम भीग जाते वहीं, कुछ पता नहीं था। ये देखिए ये नज़ारा हो चुका है, तो गाइज इस ब्लॉग को रखते हैं हम यहीं पे तक। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से दबा दीजिए। तो गाइज इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म, तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखना अपना।